राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में गुड मॉर्निंग के साथ। गुड मॉर्निंग तो ऐसी हो रही है भाई यहाँ पे, चलो आपको दिखाते हैं कैसी गुड मॉर्निंग हो रही है। ये देखो भाई, ये है गुड मॉर्निंग। भाई ये है यहाँ के गुड मॉर्निंग। अब इसे गुड मॉर्निंग कहो या बैड मॉर्निंग कहो ये समझ नहीं आ रहा भाई। सच में कल हल्की सी बूंदाबांदी तो हो ही रही थी, आपको पता ही है। तो अब भाई हैवी हो गया, एकदम हैवी हो गया। सुबह सुबह सरप्राइज मिल गया, पूरा डे खराब हो गया। अब यार बद्रीनाथ जाना है, देखते हैं कब तक रहता है हैवी रेनफॉल। अलर्ट में तो है, बाकी भगवान बुला ले जल्दी, मैं ऊपर नहीं अपने पास। दिमाग खराब हो रहा है यार। भाई अभी आई थी दी की दोस्त, तो वो ये कह रही थी कि 2-3 दिनों के लिए तो रेस्क्यू टीम भेज रखे हैं यहाँ से, मतलब जो सेंसिटिव एरिया है, और बाकी 2-3 दिन बाद बारिश रुकेगी तो बद्रीनाथ का रास्ता खुल जाएगा। मे बी अगर ना रुकेगी तो भाई, ना रुकेगी तो हालत ख़राब हो जानी है, क्योंकि इतनी दूर आए हूँ बद्रीनाथ के लिए और वहीं के दर्शन ना हुए। और मेरी किस्मत कितनी बढ़िया, मतलब एक दिन पहले हम घूम लिए ओली, दूसरे दिन हमें ओला ओली मिल गए। अब तो बस इंतजार करो ऐसे बैठ के कि भाई रुक जा, हे भगवान रुक जा, देखते हैं फिर कब रुकता है। वेलकम बैक, आगे है लंबू घर पे। तो कैसा रहा जॉब? बिजी डे वेट करने के बाद अभी आगे हैं, मतलब 3 घंटे हैं, 3 घंटे, 3-4 घंटे। क्या लगा चलने के लिए? ओह माय गॉड, टुलुला हमारे लिए पावर बैंक लाए, ये गोप्रो भी होगा तो भाई गोप्रो भी पूरा चार्ज पर लाए हैं। पावर बैंक को भी लग रही है ठंडी, इसलिए हमने इसे जाड़े से बचाने का लाई, इसमें लगा रखे हैं कपड़े, जैसे स्वेटर पहना रखा बढ़िया वाला। दिन के बज गए 2 और मौसम मौसम मौसम, तो आपको मौसम दिखाते हैं दिन के हाल। ब्लॉग का पता नहीं है, हमें खुद का तो पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। यार बारिश रुके तो कहीं जाए भी, वहाँ से बाहर निकलने का ही नहीं हो रहा बिल्कुल। वैसे बस बादल ही उड़ने में है, बादल ही उड़ने में, पता नहीं कहाँ जाएंगे ये बादल इतने सारे। पानी नीचे आ रहा है फिर भाप बन के उड़ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है फिर उड़ रहा है। भगवान उठा ले रे बाबा इन बादलों को इकट्ठा ही। तो बच्चों बड़ों बूढ़ों जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे प्रियजनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं कुछ नहीं बनाया मैंने ब्लॉग, देखिए पीछे तक कैसे चिल्ला रही है। ये भीतर जाके मेकअप कराए फटाफट से कि वीडियो बना रहे हैं। बाल नहीं सूख रखे सुबह के। अच्छा जी, तो ऐसे फोड़ मार रखे हैं। तो भाई ये अब पता नहीं अब क्या है, अब क्या प्लान है, कुछ है? सारा था सो जा चुपचाप, मौसम देख रहा वो हाथी अलग ही दिख रहा, देखा अब दिख रहा दिख ना रहा तुझे हाथी कहीं ना दिख, ये देख देख इधर देख, ये इसकी मुंडी है देख कोर से। अच्छा देख, अब तेरे को लाइव नहीं दिख रहा, कोरे में उसका सेप अलग ही आ रखा हाथी का। देखिए ये तो हाथी के पीछे पड़ी रहे। लाइट आ गई है और हम बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि हम घर में बैठे बैठे पक गए थे, अब 1-2 रील ही बना लेंगे। रील बनाएंगे, थारा भाई आज इतनी रील बना देगा, इतनी रील बना देगा कि तन्नत सोची ना होगी। कहाँ मेरा एडप्टर, ये करा टिकट। ओह भाई मजे आ गए,
सांस में सांस आ गई। पीछे दिख रही है ये टोपी टापी सी, ये दिख रही है बेल्ट वेल्ट सी, ये सब पहन के अभी आपको थारा भाई है सब बन के दिखा देगा कहते फौजी। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। तो ये ऐसे लगता है रेडी। अब देखता हूँ इसके बाद कैसा लगता है। वैसे तो कभी सपना तो पूरा हुआ नहीं ऐसा तो कभी सपना पूरा हुआ नहीं है, लेकिन कोई नहीं, घर वालों की वजह से ही कर ले भाई आधी पहन लिए जूते 100 किलो के तो जूते नहीं है। तो भाई हमने पहली ड्रेस ये, क्या बात है, अलग ही मजा आ रहा है भाई ड्रेस पहन के। बाहर चलो 10 आदमी देखते हैं, सल्यूट करते हैं। ड्रेस की इंसल्ट होती है, इनमें तो देशभक्ति जाग गई है इससे पहले कि देशभक्ति बाहर आ जाए हम इसे तसल्ली पूर्वक पहन पहन के अपना बनवा लेते हैं। बड़ी देर तक बोल रही नाम हटा दे, नाम हटा दे, हमने अपने जिंदगी से नाम हटा ही दिया मेरा नाम मुझे वापस दे दे। मैं तेरा नाम दे दिया, अब हम अपना नाम लगाएंगे इस पे। नाम तो भर जाएगा यहाँ पे टाइप कर रही मैं ड्रेस कोई ले जाऊंगा फिर अपना नाम लिखवाऊंगा यहाँ पे। राम राम जी यार, सच में इसमें ना राम राम कहने का ही मजा अलग आ रहा है बिल्कुल ही। मतलब एक फील हो रहा है हमें खुद अंदर से, आवाज़ें आ रही है हमारी कि हाँ भाई यू आर ए वन मैन इंडियन आर्मी बट नॉट स्टिल स्टिल क्या पीछे से ही नहीं है कोई नहीं, अपने घर में अगर कोई बड़ा आर्मी में लग जाए तो भाई इससे बढ़िया बात और क्या होगी। और मुझे अकेले अकेले वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि लंबू दी गई है। सो वो लोग कह रहे हैं मेरे को उन्हें उठाना भी है थोड़ी देर में, सच्ची में मैं तो भूल ही गया था, मैं ही लगा पड़ा हूँ इसमें। देखो बस पारा भाई, मैंने रील भी बनाई है और मौसम तो भाई ऐसी है हमारे सांस देखो पूरा धुंध 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 और पानी पानी पानी। सुबह तक तो कुछ दिख भी रहा था लेकिन अब बिल्कुल नहीं दिख रहा यार। तो भाई बात ऐसी घर जैसी मजे आ रहे ड्रेस पहन के। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओ माय गॉड ठंडी ज़्यादा हुई है, खिड़की कर देते हैं। आर्मी वालों को भी ठंड लगती है पागल, पता नहीं है तुम्हें। तो भाइयों आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हो? हम तो फिलहाल गेट बंद कर सकते हैं क्योंकि हमें लग रही ठंड। अब सही है, अब हम अपने बिस्तर में पड़ जाते हैं और अपने ओरिजिनल लुक में आ जाते हैं क्योंकि ये तो हमारे लंबू दिखा है उनका ओरिजिनल लुक है। हमारी आंखें नम हो रही हैं दोस्तों इससे पहले कि हम फूट फूट के रोए और आपसे देखा ना जाए। हिम्मत ना खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरी बस की नहीं है उन्हें, अबे उन्हें नहीं खुद को करके दिखाना है। वेलकम बैक, राम राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका शाम के वीडियो में। अभी भी हम घर के अंदर ही हैं और लंबू का है फास्ट, लंबू बना रही है अपने खाना और वहाँ हमारे जूते सूंघ रहे, सूंघ रहे नहीं सूख रहे देखो आपको दिखाते हैं जूते कैसे सूख रहे हैं ये क्या बात है मतलब जैसे हमें ठंड लगती है ना वैसे जूतों को भी ठंड लग रही है, तो ये भी सूख रहे हैं यहाँ पे। देखना कैसे आ रहा है हमसे ले रहे हैं मिलो बच्चा, मिलो भागू, मिलो भागू प्यार से सूख जाओ आया तो भाई इन्हें देते हैं सूखने के लिए। अब हम बारिश रोकने की टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है बस है पल्लेवाड़ी थे। अच्छा रुको पहले खोल तो लूँ, अच्छा बाल के बाद बना रहे ठीक है।
तो भाई अब हमारी टेक्निक ऑलरेडी स्टार्ट, ठीक है। ये और हम गरम गरम तवा, अब इसे हम लगाएंगे बाहर, ठीक है। ये आए हम बालकनी में और यहाँ से अंधेरा हो गया भाई, कहाँ बहुत पानी। सॉरी उल्टा करना था, उल्टा तो ठीक है जी, हो गया जो भी होना था इसके साथ। तो भाई ये थी हमारी बारिश रोकने की टेक्निक जो हमने कंप्लीटली कर ली। वो देख अब बीच में से धुआं निकल रहा है। तो भाई ये प्रोसेस तो होगी पूरी। इंद्र देवता को हमने लगा दिया है, क्या हूँ छह छो सब हो गया, छह सात आठ नौ दस सब हो गया, अब क्या बना रहे इसमें, ठीक है। तो भाइयों ये थी हमारी अनोखी टेक्निक। अब इसके बाद अगर अब भी नहीं रुकाना तो भाई कुछ नहीं हो सकता इस बारिश के लिए, क्योंकि मुझे इस कमरे के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे घूमना है और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर भी जाना है, बहुत काम है। तो मिलते हैं आपको बाद में, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इनका स्लीपिंग बैग पता कैसा, ये देखो कीड़े जैसा, इसके अंदर आप ऐसे बैठ के दिखाता हूँ। इसमें पूरा पैक होके सो जाओ आराम से, टिन टिन। कितना बढ़िया बिस्तर है ना, ये है हमारा कीड़े वाला बिस्तर भाई। इसमें नींद तो सच में बहुत बढ़िया आती है, एकदम गर्म, देखना गर्म हो गया यार पूरे, इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। लम्बू भी सो गई है, मुझसे भी कह रही थी कि सो जा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं पूरे दिन भर जगा हूँ। बाहर बारिश ख़त्म नहीं हो रही है, मुझे घूमना है, कैसे घूमूँ यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि यहीं रहता हूँ कमरे में या फिर बाहर जाता हूँ कहीं घूमने के लिए। मुझे तो लग नहीं रहा बारिश ख़त्म होएगी, बारिश को तवा भी दिखा दिया, उल्टा भी सीधा भी हर चीज़ दिखा दी उसे, लेकिन इंद्र देवता हमसे बहुत ज़्यादा, मैं गोवा में था, गोवा में भी ऐसी हुआ था रे सच्ची, वहाँ पे भी बारिश आ रही थी कंटिन्यू और जा नहीं रही थी, वहाँ पे भी तवा दिखाया था मैंने लेकिन चली गई थी। अब देखते हैं यार कल सुबह क्या होता है हमारे साथ, क्या नहीं होता हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कीड़े वाला बिस्तर। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।